हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनंत वत्स एंड वेलकम्स यू टू द इंडियाज फर्स्ट साइंस चैनल विज्ञान कर। साइंस की दुनिया मतलब अगर आप देखो एक लीमैन के लिए दुनिया क्या है, बस रोज का खाना खाना है और सो जाना है। लेकिन आप साइंस को देखोगे तो आपके ऊपर वो एक सेंस होती है ना कि दुनिया के बारे में जानने की इच्छा, वो इच्छा जाग जाती है साइंस के ज़रिए से। और मुझे तो लगता है साइंस अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो फिर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोलेगा आई हेट साइंस। लेकिन साइंस में सब कुछ अच्छा लगता है। साइंस में हाँ बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट एक्चुअली मुझे ज़्यादा अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर साइंसेस, बट मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। और सबसे ज़्यादा बुरा कौन सा सब्जेक्ट लगता है? बुरा इन द सेंस बुरा तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ड्राइंग की बात करें तो? ड्राइंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी क्रिएटिविटी ड्राइंग के थ्रू नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैं अपनी क्रिएटिविटी म्यूज़िक के थ्रू दिखा सकता हूँ। तो एक्चुअली आपको क्रिएटिविटी इन्फोर्स नहीं करनी होती, क्रिएटिविटी अपने आप अंदर से स्टेम आउट होती है। तो जो क्रिएटिव सब्जेक्ट्स हैं यू कैन नॉट फोर्स ऑन चिल्ड्रन। अगर हम कहें कि म्यूज़िक में कुछ खास कर सकते हो, म्यूज़िक का क्या होगा? म्यूज़िक का कुछ खास कर सकते हैं? हाँ, म्यूज़िक के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। किस चीज़ में दिखा सकते हो? म्यूज़िक के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी, आपने म्यूज़िक तो एक क्रिएटिव आर्ट है ना, तो फिर आप जो स्वर हैं, जो सात स्वर हैं, उनकी बेसिस पे आप आर्टिस्ट जो होता है वो ऑडियंस का मूड किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है। जैसे अगर आप मान लीजिए गाना गा रहे हैं तो अगर उसमें सैड लिरिक्स होगी और फिर उसके साथ जो अगर सैड लिरिक्स होगी तो मतलब, लेकिन अगर वो गाना नहीं गाएगा तो उसका फुल इमोशन मतलब ऑडियंस पे नहीं पहुंचता है। लेकिन फिर म्यूज़िक अगर वहाँ पे साथ में आ जाए तो पूरा फुल इमोशन होता है। इसी तरीके से मतलब अगर आप एक कोई सॉन्ग मतलब सॉन्ग के साथ राग ही लगा लीजिए, मतलब जो राग होते हैं वो किसी का भी मूड मतलब चेंज कर सकते हैं, ऑडियंस का मूड चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर होती है। और पहले ज़माने में जो इतने आर्टिस्ट होते थे वो गा कर दीपक जला सकते थे, गा कर वर्षा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक इज साउंड, साउंड एनर्जी। कौन सा म्यूजिक में क्या चीज़ पसंद है? मुझे म्यूजिक में बहुत कुछ। क्या? क्लासिकल म्यूजिक, वैसे तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक ये सीखता हूँ, बट उसके साथ लाइट म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीवन में क्या बनना चाहते हो? मैं तो एक कॉस्मोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। ये क्या काम होता है कॉस्मोलॉजिस्ट? कॉस्मोलॉजिस्ट स्पेस के बारे में जानना। स्पेस के बारे में जानना, तो इसके लिए कुछ किताबें बुक्स पढ़ते हो? हाँ, मैंने अभी स्टीफन हॉकिंग की एक बुक पढ़ी थी, दी थियोरी ऑफ एवरीथिंग एंड द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। अगर किसी को, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको स्पीच के बारे में जानना है तो आप ये दो बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। दो बुक्स ज़रूर पढ़ेगा। बहुत खास बात है कि एक खगोल वैज्ञानिक के रूप में आप काम करना चाहते हैं। मामा भी पसंद करते हैं आपकी इस बात को? क्या मामा आपकी जो मदर हैं? हाँ, दोनों ने बोले तुम्हें जो करना है करो। उनको, उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि हाँ ये करना है, उन्होंने बोले तुम्हें जो करने का मन है करो, जो करने का मन है करो। ये क्रिएटिविटी मेरी है। तो सम्यक का और क्या क्या करने का मन करता है जी? ऐसे मतलब इससे मेरे को स्पीच के बारे में जानने का शौक है और मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है और मुझे ऐसे बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद है। संगीत में कोई ऐसा है जो गीत वीत गाना पसंद है? मैं एक्चुअली बजाता हूँ, मैं वायलिन बजाता हूँ। वायलिन बजाते हूँ। अच्छा, गाते नहीं? गान मेरे को कहते हैं कि मेरी स्वीट वॉइस है, बट मैं नहीं गाता हूँ ज़्यादा। नहीं गाया है? कोई गाना गाया है? हाँ गाता हूँ। मतलब कौन सा गाना जो अच्छा लगता है? बहुत सारे हैं। कौन सा कोई एक गाना गा के सुनाना है अभी अगर लगता है? मुझे लता मंगेशकर के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बहुत हाई पिच्ड होते हैं। सुनो। मैं किशोर कुमार का एक गाना सुनाता हूँ। सुनो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली
खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, जिस रोज से देखा है उनको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसी बैठी है कहीं आना जाना भूल गए, अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये गाने का मतलब ये शौक भी आपको घर से हुआ या मम्मी पापा को भी है? वैसे मम्मा पापा को भी शौक था, बट मुझे भी म्यूजिक का शौक है। दोनों को है, पापा को भी और मम्मा पापा, मम्मा को, दोनों को भी। वो क्या बनाना चाहते हैं समय को? उन्होंने फ्री करके रखा है, जो करना कर है जो करना का, सोना है सो, नहीं उस तरीके से नहीं, बट हाँ मतलब वो अपने करियर डिसाइड करने के लिए वो बोल रहे हैं जो करना है, बट वो पता नहीं क्यों चाहते मैं ऑफिसर बनूँ, मुझे बिल्कुल शौक नहीं ऑफिसर बनने का। वो बनाना चाहते हैं, मतलब वो बोलते हैं अगर ऑफिसर बन जाओगे तो बहुत कुछ है लेने को ऑफिस में, क्या सिविल सर्विस में? हाँ आईएएस, आईएएस बट मुझे नहीं अच्छा लगता। आईएएस बनना अच्छा नहीं लगता? नहीं ऑफिस नहीं, ऑफिसर बनना अच्छा नहीं लगता, कुछ करने को होता नहीं। क्यों? सोसाइटी को इम्प्रूव करने, पावर होती है सोसाइटी को इम्प्रूव करना होता है, बट फिर आप देखिए ना, आप मतलब आप फिर एक पॉलिटिशियन के चमचे बनकर ही रह जाते हो। मैंने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को देखा है, जो काम करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट मैं देखता नहीं हूँ कि काम हो रहा है। जैसे आप जम्मू के देख लो, मुझे नहीं लगता ज़्यादा काम होता है। सिविल सर्विसेज को थोड़े प्राइवेट इंटरप्राइज जैसा होना चाहिए, जिससे काम ज़्यादा इफेक्टिवली हो सके, और जो नहीं हो सके उनको फायर कर देना चाहिए। एंड इसीलिए इंडियंस सिविल सर्विसेज पे जाते हैं। क्यों? आप जैसे गुजरात का एग्जांपल देख लो, गुजरात में सिविल सर्विसेज वो मतलब कहा जाता है कि जो सिविल सर्विसेज करते हैं वो कावड़ होते हैं, बट हाँ अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो सिविल सर्विसेज में जाने का अच्छी बात है, बट फिर क्या करते हैं, लोगों को परमानेंट चाहिए। हाँ हमारे पास परमानेंट जॉब है, अब हमने जो करना करो हमें पेंशन भी मिल जाएगी, तो इस तरीके से लोगों को बस अपनी सेफ्टी चाहिए, ये नहीं चाहिए कि मतलब देश का कैसा भला होना चाहिए। सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। हाँ लोगों को सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। ऐसा इनसिक्योर क्यों फील करते हैं लोग, क्यों पीछे भागते हैं सेफ्टी के? बिकॉज़ इंडिया वैसे भी आप देख लीजिए, मतलब शुरुआत से रिच तो रही थी, कितने ट्रेडर्स वेडर्स आए थे, लेकिन मतलब इंडियन लोगों का यही था कि वो सिक्योर रहें। आप जैसे देख लीजिए लेजिली, मतलब लेजिली बहुत हो गया था। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा था कि इंडिया का डाउनफॉल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि लोग लेजी हो गए थे। कास्ट सिस्टम क्यों बनाया गया? ताकि जो मतलब जैसे ब्राह्मण के बेटे थे वो बना देते कास्ट सिस्टम कि हम हमेशा एलीट क्लास में रहेंगे और किसी को ऊपर उठने का मौका नहीं देंगे, तो वो सिक्योरिटी उसी बेसिस पे चल गया। अब कास्ट सिस्टम अभी भी जड़ से उखाड़ा नहीं गया, अभी भी रिजर्वेशन के मामले पे चलता रहता है, और आजकल तो लो कास्ट को हाई कास्ट की तरह दिखाया जा रहा है, आजकल सभी को रिजर्वेशन मिल रहा है। जैसे आप गुजरात इलेक्शंस में देख लो, हार्दिक पटेल को चाहिए रिजर्वेशन के बेसिस पे कांग्रेस दे रही है, जबकि मेन एजेंडा होना चाहिए डेवलपमेंट। ऐसे में जो रिजर्वेशन है या जो कास्ट सिस्टम है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली कास्ट सिस्टम पहले वर्क के बेसिस पे था, आपको क्या काम करना है उसके बेसिस पे आपका कास्ट डिसाइड होता था, अब बर्थ के बेसिस पे कास्ट कैसे डिसाइड कर सकते हो? रेपो को मतलब उन सबको अपना रेपुटेशन बनाना होता है। आजकल देखिए मोस्ट ऑफ दी सोसाइटी में एक आईएएस ऑफिसर अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रेपुटेशन पे सवाल उठेगा अगर वो कोई दूसरे काम में जाएगा। वेरी गुड। गणित के सवालों में कैसे लगते हैं? मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ लेकिन कोई सिखाने वाला भी होना चाहिए ना। टीचर नहीं पढ़ाते हैं? टीचर पढ़ाते हैं, बट फिर जैसे देख लीजिए अभी मैं 8th क्लास में हूँ, और मान लीजिए जैसे मेरे को ट्रिग्नोमेट्री करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए मतलब मैंने टीचर से पूछना होता है, टीचर के पास टाइम नहीं होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का,
मेरे को लगता है कि एक एक्स्ट्रा पीरियड होना चाहिए जहाँ पे मैथ, साइंस और जितनी भी क्वेरीज रिलेटेड होती हैं उसके लिए एक पीरियड बनाना चाहिए हर सैटरडे को. बिकॉज़ आप देख लीजिए, सैटरडे को सिर्फ 5 पीरियड्स होते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, तो आप एक एक्स्ट्रा पीरियड तो रख सकते हो जिसमें आप सबके डाउट्स क्लियर करो.